हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन कॉमिक सीरीज। यह एक ऐसा कॉमिक सीरीज चैनल है जहां मैं आप सबको इंडियन सुपर हीरोज की कॉमिक्स स्टोरी एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन सुपर हीरोज की कॉमिक्स स्टोरी में तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और गाइस, आज मैं आप सबको नागराज सीरीज की एक और रोमांचक व खतरों से भरी स्टोरी लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। राजनगर के चप्पे चप्पे पर इन दिनों होर्डिंग, बैनर व पोस्टर युद्ध स्तर पर लगे दिखाई पड़ रहे थे। आइए मिलिए अपने सुपर हीरो से, देखिए एक साथ सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी, परमाणु, चंडिका, विनाश दूत, सुपर कमांडो फोर्स और नागराज। राजनगर स्टेडियम में वे पोस्टर देख बच्चे और बड़े सभी रोमांचित हो उठे। लोगों में इस प्रचार का जबरदस्त क्रेज बनने लगा। शहर के बाहर के कुछ अन्य कुख्यात लोगों में से एक जोड़ी खूबसूरत निगाहें भी इस स्पेक्टुकुलर मीट 91 के विज्ञापन पर लगी थीं। यह थी अपराध की दुनिया की रानी मिस हिरोशिमा उर्फ मिस किलर। और वह खबर पढ़ मिस किलर ने कहा, सुपर हीरोज एक साथ, ऐसा शानदार मौका वाकई बार बार नहीं आएगा। उधर निश्चित दिन व समय पर राजनगर स्टेडियम सुपर शक्तियों के प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था। स्टेडियम सुपर हीरोज के नारों से गूंज रहा था। लोग सुपर शक्तियों की एक झलक देख लेने के लिए बुरी तरह बेचैन थे और उद्घोषक की इस घोषणा के साथ सारे स्टेडियम में शोर मच गया। जब सुपर हीरोज ने स्टेडियम में प्रवेश करना शुरू किया, गगन के मंच पर उतरते ही सारा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तालियों की गूंज अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि मंच की ओर उठी निगाहें भौचक्की हो उठी। इसी के साथ परमाणु मंच पर ट्रांसमिट हुआ और अगले ही पल स्टेडियम में परमाणु के नाम का शोर मच गया। इसी के साथ सबकी निगाहें उठ गई स्टेडियम के द्वार की ओर और तब सुपर कमांडो फोर्स ने वहां प्रवेश किया। ठीक इसी पल स्टेडियम में गूंज उठी किसी मशीनी घोड़े की आवाज़, और वह था विनाश दूत। उद्घोषक ने सबका ध्यान स्टेडियम की मशाल के निकट रखी तोप की ओर किया और धमाके के साथ तोप की नली से गोले की जगह पुष्प वर्षा के साथ निकली चंडिका। आश्चर्य व रोमांच के कारण दर्शकों के मुँह से चीखें निकल गईं। इधर दर्शकों के बीच उपस्थित इस विशेष दर्शक ने जब अपने सिर से कैप हटाया तो सारे दर्शक उस विशाल मानव को अपने बीच देख चौंक पड़े। और तभी माइक पर हंसी के साथ गगन का स्वर गूंज उठा, दोस्तों आप जिसे देखकर भयभीत हो रहे हैं वह मोंटी है। गगन, परमाणु, सुपर कमांडो फोर्स, चंडिका और विनाश दूत सभी मंच पर उपस्थित थे। अब दर्शकों को बड़ी व्यग्रता के साथ जिन सुपर शक्तियों का इंतजार था वे थे नागराज और ध्रुव। सारा स्टेडियम नागराज और ध्रुव के शोर से गूंज रहा था, लेकिन स्टेडियम से 20 किलोमीटर दूर सुपर कमांडो ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर सवार स्टेडियम की ओर बढ़ रहा था। एकाएक कुछ देखता हुआ वह चौंक पड़ा, आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसकी। वही क्या, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति चौंक पड़ा था। कारण थी हरे बादलों की वह टुकड़ी जो देखते ही देखते आकाश में फैल गई। ध्रुव की मोटरसाइकिल को ब्रेक लग गए और लोगों को आश्चर्य का महान झटका लगा जब उन बादलों से आवाज़ गूंजी, राजनगर निवासियों को मिस किलर का नमस्कार। मैं आपसे केवल इतना कहने आई हूँ कि ये हरे बादल अब से 15 मिनट बाद राजनगर में तेजाब की बारिश शुरू कर देंगे, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर लीजिए। इसी के साथ वह महान आश्चर्य वहां से गायब हो गया। मिस किलर की घोषणा का तुरंत ही असर हुआ, सड़कों पर भगदड़ मच गई। सुपर कमांडो ध्रुव जिसके दिलो दिमाग से निकल चुकी थी स्टेडियम पहुंचने की बात, घोषणा का तत्काल असर हुआ। शहर में जैसे कर्फ्यू लग गया। अचानक उस युवती की चीख से कर्फ्यू का वातावरण भंग हुआ। मेरा बच्चा, इसी पल बादलों में तीव्र गड़गड़ाहट हुई। युवती अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर पुनः चीख पड़ी, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तेजाबी बारिश आरंभ हो गई, लेकिन इससे पूर्व की बारिश की मोटी मोटी बूंदें उस बच्चे तक पहुंच पाती। ध्रुव बच्चे के साथ इमारत की तरफ लपका, लेकिन ठीक उसी पल लहराई नाग रस्सी। तब ध्रुव के शरीर को लगा एक तीव्र झटका। पलक झपकते ही आश्चर्य के सागर में गोते लगाता ध्रुव हवा में नाग रस्सी पर झूल रहा था। नागराज नाग रस्सी पर झूलता हुआ सुरक्षित बालकनी तक जा पहुंचा और उस बच्चे को तेजाबी बारिश से बचा लिया। तब ध्रुव ने नागराज का धन्यवाद किया। इधर बारिश आरंभ होते ही जो लोग गलत जगह को सुरक्षा समझ बैठे थे उन्हें भी तेजाब के बहते पानी के कारण मौत नसीब हुई। वे लोग पहले लाश और फिर कंकाल में बदल गए। उधर नागराज और ध्रुव
तेजाब की बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहे थे और बारिश बंद होते ही वे दोनों बाहर निकले। सड़कों पर उन्हें कंकाल ही कंकाल दिख रहे थे। इधर बारिश बंद होते ही पुलिस एम्बुलेंस हताहतों की तलाश में दौड़ पड़ी। उधर नागराज और ध्रुव दोनों के मस्तिष्क में तूफान उठ खड़ा हुआ था। मिस किलर, तुम्हें इन निर्दोष लोगों की हत्याओं का भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। तब ध्रुव ने कहा, मैं तुमसे सहमत हूँ नागराज, लेकिन इस समय हमें फौरन राजनगर स्टेडियम पहुँचना होगा। और अगले ही पल नागराज ध्रुव की मोटरसाइकिल पर सवार स्टेडियम की ओर बढ़ चला। उधर राजनगर स्टेडियम में दर्शकों के सब्र का बांध टूट रहा था। उद्घोषक दर्शकों को शांत करने में बुरी तरह असफल हो रहा था। अचानक शोर मचाते दर्शकों की निगाहें आकाश की तरफ उठ गईं। वह दृश्य देख दर्शक रोमांच से भर उठे। वह चक्रवात मंच के ठीक ऊपर आकर रुका और एक स्त्री का आवरण दिखाई पड़ने लगा। ठीक इसी पल वातावरण में गूंज उठी एक खनकदार हंसी की आवाज़। मुझे मिस किलर कहते हैं दोस्तों, आप लोग जिन दो सुपर हीरो का इंतजार कर रहे हैं वे दोनों अब यहाँ कुछ देरी से पहुँचेंगे और तब तक मैं बाकी के सुपर हीरोज को यहाँ से बहुत दूर अपने किलर फोर्ट ले जा चुकी होंगी। इससे पहले कि इस आकस्मिक संकट को कोई समझ पाता, सभी तेज चक्रवात में घिर गए और देखते ही देखते सभी सुपर हीरो चक्रवात में समा गए। दर्शकों में खलबली मच गई। दर्शक स्टेडियम छोड़ भागने लगे। ठीक इसी समय स्टेडियम में प्रवेश किया नागराज और ध्रुव ने, लेकिन तभी मिस किलर उनके सामने प्रकट हुई। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, मैं तुम्हारे देश की सभी महाशक्तियों को अपने साथ ले जा रही हूँ और तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अपनी शक्तियों के बल पर तुम इन्हें मेरे किलर फोर्स से छुड़ा कर दिखाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें वह क्लू दे जाऊंगी जो तुम्हें किलर फोर्ट पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। इसी के साथ हवा में एक सितारा सनसनाया और वह सितारा नागराज के कंधों में जा लगा। तब नागराज ने उस सितारे को निकालते हुए कहा, इस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा है। वह देख ध्रुव ने कहा, ये तो जापानी भाषा में कोकुजिकान लिखा है। नागराज, अभी तक हम किलर का इन सब घटनाओं के पीछे उद्देश्य भी नहीं समझ पाए हैं। तब नागराज ने बताया, किलर की तेजाबी बारिश का रहस्य अब मेरे समझ में आ रहा है सुपर कमांडो ध्रुव। वह हमें स्टेडियम में आने से रोकने के लिए ना सिर्फ उलझाए रखना चाहती थी बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी वह हमारे सामने करना चाहती थी। और फिर जापान एयरलाइंस के एक हवाई जहाज ने भारत की धरती छोड़ी। उसमें सवार थे नागराज और ध्रुव। जापान की राजधानी टोक्यो में कोकुजिकान स्टेडियम मौजूद था, जहाँ पर भयंकर सुमो फाइट होती थी। सुमो फाइट क्लब, जहाँ 500 किलो वजन तक के फाइटर्स की दिल दहला देने वाली फ्री स्टाइल कुश्तियाँ आयोजित की जाती हैं। दर्शकों का कान फाड़ देने वाला शोर गूंज रहा था। रेफरी का संकेत मिलते ही हाथियों की तरह चिंगारते हुए दोनों सुमो पहलवान आपस में टकरा गए। वान चिंग पोंग की उस भीषण टक्कर से मोगैम्बो गैंडे की तरह गरजता रिंग से बाहर उछला और दर्शकों में जहाँ वह गिरा खलबली मच गई। रेफरी ने उस फाइट का विजेता घोषित कर दिया, वान चिंग पोंग। सांस रोके ध्रुव और नागराज भी उस सुमो फाइट को देख रहे थे। उधर वान चिंग पोंग फाइट जीतने के बाद किसी को चैलेंज कर रहा था कि तभी नागराज की ओर देखकर दहाड़ उठा वान चिंग पोंग। तब नागराज ने कहा, शायद मिस किलर मुझे वान चिंग पोंग से लड़वाना चाहती है। और अगले ही पल नागराज तैयार हो गया उस सुमो फाइट के लिए। नागराज रिंग में प्रवेश कर गया। खचाखच भरा हॉल रोमांच से भर उठा जब नागराज ने कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है वान चिंग पोंग। और तब नागराज ने स्टेडियम में प्रवेश किया। रेफरी का सिग्नल मिलते ही भारी शोर शराबे के बीच नागराज व वान चिंग पोंग आमने सामने आ गए। सुमो सम्राट वान चिंग पोंग नागराज पर झपटा, लेकिन उसके वार से बचते हुए नागराज ने उछलकर वान चिंग पोंग पर जोरदार प्रहार किया। तब संभलते हुए वान चिंग पोंग ने नागराज को जकड़ लिया और अगले ही पल नागराज के जिस्म में विद्युत दौड़ गई। उह, ये तो धोखा है, इसके शरीर से करंट प्रवाहित हो रहा है। तब नागराज ने स्नेक हैंड इस्तेमाल किया और उस वार से वान चिंग पोंग के गले से रक्त की धार फूट निकली, लेकिन उसने नागराज को ना छोड़ा। उफ, अब तो इसकी आंखों पर विस्फुंकार फेंक कर इसे कुछ देर के लिए अंधा कर दूं। नागराज ने बहुत हल्की विस्फुंकार छोड़ी। अपने इस प्रयास से नागराज स्वतंत्र हो गया और तब नागराज ने उस सुमो फाइटर पर जोरदार प्रहार किए और संभलने का मौका नहीं दिया। नागराज का भरपूर शक्तिशाली वार सुमो फाइटर वान चिंग पोंग ना सह पाया। गैंडे से भारी भरकम शरीर धम्म से रिंग में गिर पड़ा और नागराज विजेता घोषित हुआ। इसी के साथ
ध्रुव ने मंच पर पहुंचकर नागराज का परिचय दिया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। तब नागराज को मिला विशेष चैंपियन पुरस्कार, जो मिस हिरोशिमा की तरफ से था। नागराज ने पैकेट पर चढ़ा पेपर हटाया, तभी नीचे शीशे के बक्से के अंदर रखी वस्तु को देखते ही दोनों उछल पड़े और अगले ही पल नागराज ने बक्से को उल्टा किया। तब नागराज ने बताया, ये बेहद खतरनाक सांप है ध्रुव। इस जाति का सांप जापान में ही सीकोकू द्वीप पर पाया जाता है। इस सांप के रूप में मिस हिरोशिमा यानी मिस किलर ने हमें दूसरा क्लू दिया है। और तब वे निकल पड़े सीकोकू द्वीप की ओर। नागराज और ध्रुव के खूनी सफर की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन समुद्र में हमलावरों की नज़रें उन पर गड़ी हुई थीं। तभी रस्सी के सिर पर बंधा हुआ भारी भरकम गोला समुद्र में गिरा। गोला तेजी के साथ आगे बढ़ा। चौंक पड़े नागराज और ध्रुव उस गोले को देखकर दोनों एकदम से सतर्क नजर आने लगे। फिर अचानक समुद्र की लहरों में एक ज्वार भाटा सा उठा। डेक पर खड़े नागराज व ध्रुव बुरी तरह से लड़खड़ा गए। अगले ही पल ध्रुव अतः जलराशि में गिर पड़ा। जब लहरें शांत हुईं तो गोले की जगह एक प्लेटफॉर्म नजर आने लगा, जिस पर एक विचित्र सार्क मानव खड़ा था। उधर ध्रुव के समुद्र में गिरते ही खूनी सार्क मछलियों से पटे पड़े समुद्र के उस इलाके में भीषण हलचल मच गई। फिर इससे पहले कि कई सार्क एक साथ ध्रुव पर टूटकर उसके चिथड़े उड़ा देती, गोले में से निकले बोरो पहलवान ने उसे उठा लिया। लेकिन तभी नागराज की नाग रस्सी बोरो की तरफ लपकी। ध्रुव यह देख चीख पड़ा, नहीं नागराज, ये मेरा शिकार है। और तभी बोरो ध्रुव पर झपटा। तुझे ख़त्म करने के बाद नागराज को ख़त्म करूँगा। लेकिन तभी ध्रुव ने एक तरफ छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और बोरो पर जोरदार प्रहार किया। सार के भयानक जबड़े में जाने से बाल बाल बचा बोरो। बोरो फुर्ती से उछला और ध्रुव से भिड़ गया। ध्रुव के वार उसकी मोटी चमड़ी पर बेअसर साबित हो रहे थे। इस मौके का फ़ायदा उठाया बोरो ने, किंतु अब खड़े होते ही ध्रुव के हाथ में थी एक लोहे की रॉड। और जैसे ही बोरो ने जबड़ा फैलाया, ध्रुव ने रॉड उसके जबड़े में फंसा दी। और तब ध्रुव ने अपनी टांगों को एक भरपूर झटका दिया और उस ठोकर ने बोरो को समुद्र में उछाल फेंका। और तब सार्क बोरो को पानी में खींच ले गई। उधर नागरस्सी की मदद से ध्रुव वापस बोट पर पहुंच गया। द्वीप पर दोनों बोट से नीचे उतरकर कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि एक तेज रफ्तार हमलावर उनके सामने आके रुका। क्या हाल है बच्चों, मुझसे मिलो, मेरा नाम है स्पीड बॉल। और अगले ही पल उस हमलावर ने वह गेंद नागराज और ध्रुव की तरफ दे मारा और जोरदार धमाका हुआ। लेकिन ऐन मौके पर नागरस्सी ने उन्हें बचाया। यह देख उस हमलावर ने फिर से एक गेंद उछाल फेंकी, लेकिन ध्रुव ने छलांग लगाई और पलक झपकते ही गोला उसके हाथ में था। और अगले ही क्षण ध्रुव ने गोला उस हमलावर की तरफ उछाल फेंका और उस धमाके में वह हमलावर मारा गया। तब नागराज को उस हमलावर की कार से मिस किलर का एक और क्लू मिला। नागराज ने कागज का पुर्जा निकाल कर देखा। नागराज, ये इमारत तो हिरोशिमा में है, जहां प्रथम बार परमाणु बम गिराया गया था। हाँ, ये वही इमारत है ध्रुव, जो उस बम विस्फोट में मारे गए सैकड़ों हजारों लोगों की याद में अब स्मारक के रूप में जानी जाती है। उधर मिस किलर के होठों पर खेल रही थी एक रहस्यमय मुस्कान। नागराज द्वारा सुमो फाइटर वान चिंग पोंग की शिकस्त के बाद अब ध्रुव के हाथों बोरो और स्पीड बॉल भी मारे गए। हिरोशिमा की खंडहर इमारत का क्लू भी उन्हें दे दिया गया। अगर मिस किलर की बनाई उस बाधा को भी वे पार कर गए तो यकीनन फिर वे उन महाहस्तियों तक पहुंच पाएंगे, जिन्हें किलर फोर्ट में चूहों की तरह कैद कर रखा है मैंने। और तब मंडराएगा विश्व पर एक ऐसा भयानक खतरा जिससे टकराने के लिए कोई सुपर शक्ति जीवित ना होगी। इधर नागराज और ध्रुव पहुँच चुके थे उस खंडहर इमारत के निकट कि तभी फर्श का एक हिस्सा हटा और उसमें से कई हमलावर बाइक सवार बाहर निकले। पलक झपकते ही दोनों घेरे में आ गए। वे बाइक सवार तलवारबाज कराटे फाइटर थे। अचानक एक टकराया ध्रुव से, दूसरा टकराया नागराज से। एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ध्रुव की तरफ बढ़ा, लेकिन ध्रुव का शरीर हवा में उछला। तब ध्रुव ने संभाल लिया मोटरसाइकिल का संचालन। इधर नागराज उछलकर खड़ा हुआ और सोचने का समय नहीं था। ध्रुव ने मोटरसाइकिल दौड़ा दी, लेकिन चारों तरफ से आंधी की तरह मंडराती मोटरसाइकिलें उन्हें घेरने की कोशिश करने लगीं। अगले ही पल नागराज खुद आश्चर्यचकित हो उठा जब ध्रुव ने उन हमलावरों से अपना बचाव किया और दोनों मोटरसाइकिल हमलावर सीढ़ियों से जा भिड़े। ध्रुव की मोटरसाइकिल पुनः हवा में सरसराई, लेकिन ध्रुव से अचानक एक चूक हो गई और दोनों बाइक से नीचे आ गिरे। तभी
हमलावर बाइक सवार उनकी तरफ बढ़े, लेकिन ठीक समय पर दोनों ने जंप ली और ध्रुव ने संभल कर उन हमलावरों पर जोरदार प्रहार किया। ध्रुव लकड़ी के उस टुकड़े से उन तलवारबाजों का सामना कर रहा था, उधर नागराज की सर्प सेना उन हमलावरों पर भारी पड़ रही थी। तभी नागराज के एक जोरदार प्रहार से एक हमलावर की तलवार छूटी और सीधे उसके सीने में जा धंसी, और उधर ध्रुव लड़ रहा था उस अद्भुत लकड़ी की तलवार से, और कुछ ही पलों में ध्रुव ने उन दोनों हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया और अगले ही पल चारों तरफ शांति छा गई। तब ध्रुव और नागराज बढ़ चले किलर फोर्ट की ओर। इधर नागराज और ध्रुव को आगे बढ़ता देख रही थी मिस किलर। एकाएक मिस किलर ने ताली बजाई, कुंफू माइंस एरिया को घेर लो। इधर नागराज व ध्रुव को एक कदम आगे बढ़ाना सचमुच महंगा पड़ा, उनके पांव तले से जमीन सरक गई, दोनों नीचे खड़ी एक कार में गिरे। उन्हें लिए कार सुरंग में दौड़ पड़ी, सुरंग के बाहर कार ने उन्हें एक जाल पर लाकर छोड़ा जिसके दूसरे छोर पर था किलर फोर्ट। उन रस्सियों का रहस्य जानने के लिए नागराज ने पत्थर खाई में उछाल दिया और अगले ही पल घाटी सोलो से लाल हो उठी। तब नागराज ने कहा, हमें इन रस्सियों पर चलकर ही किलर फोर्ट तक पहुंचना होगा। और तब मानवता के दोनों रक्षक मौत के जाल पर चलते हुए आगे बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ हमलावर कुंफू उन्हीं का इंतजार कर रहा था। इन दोनों को माइंस एरिया में ख़त्म करना है। नागराज और ध्रुव के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। लड़ाकों ने सर्कस के कुशल खिलाड़ियों की तरह कूदते फांदते दोनों को घेर लिया, और तभी पहला वार दुश्मन की ओर से हुआ, लेकिन ध्रुव हवा में उछला। सर्कस का जाबाज खिलाड़ी ध्रुव न केवल अपने पांव रस्सियों के जाल पर वापस टिका चुका था, बल्कि उन पर हमला कर दिया। फाइटर कई कलाबाजियां खाकर वापस जाल पर आ खड़ा हुआ और दोबारा ध्रुव से भिड़ गया। उधर फाइटर का हमला नागराज पर, लेकिन नागराज उछला और एक जोरदार किक उस फाइटर पर जड़ दी, साथ ही स्नेक हैंड अटैक कर उसे ख़त्म कर दिया। नागराज का सुंदर कराटे प्रदर्शन देख ध्रुव दुगना उत्साह के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ा। ध्रुव के शक्तिशाली प्रहारों का परिणाम वे दोनों हमलावर जाल से नीचे गिरने लगे, और उनके नीचे गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ। तब नागराज ने भी शक्तिशाली प्रहार किया और कई कलाबाजियां खाकर पुनः रस्सी पर आ गिरा, किंतु फाइटर्स सीधे मौत की खाई में गिरे। लेकिन दूसरा फाइटर तब तक नागराज पर छलांग लगा चुका था और वह नागराज को लेता हुआ नीचे गिरने लगा, लेकिन तभी सर्प रस्सी लहराई। तब सर्प रस्सी पर लटके नागराज ने उस हमलावर पर जोरदार प्रहार किया और नीचे गिरते ही फाइटर का जिस्म कई टुकड़ों में बदल गया। उधर ध्रुव जाल पर सर्कस के करतब दिखाते हुए उन हमलावर फाइटरों पर वार कर रहा था, और फाइटर लहराकर बारूद में गिरा और टुकड़ों में बदल गया, और अब नागराज के सामने था कुंफू। और तभी कुंफू रस्सी पर उछला और नागराज पर वार करने के लिए बढ़ चला, लेकिन तभी नागराज की सर्प रस्सी कुंफू के गर्दन में लिपट गई, और तब नागराज की भीषण टक्कर कुंफू के सीने पर पड़ी। सर्प रस्सी से बंधा कुंफू नीचे गिरा, सर्प रस्सी कुंफू के गले में कस गई और कुंफू फंदे में झूल गया। तब नागराज ने सर्प रस्सी वापस खींच ली और नीचे गिरते ही बारूदी सुरंगों ने कुंफू के चिथड़े उड़ा दिए, और उस बाधा को पार करने के बाद नागराज और ध्रुव ने किलर फोर्ट में प्रवेश किया कि तभी फायर स्टॉर्म नाम के आग मानव ने उन दोनों पर आग की ज्वाला से हमला कर दिया। दोनों ने भागकर उस आग के तूफान से अपना बचाव किया। दोनों एक दोराहे पे आकर ठिठक गए। तब नागराज ने ध्रुव को कुछ समझाया, फिर ध्रुव एक दिशा में भाग लिया। तभी फायर स्टॉर्म ने आग का एक भयंकर तूफान उठाया और ध्रुव उसमें जा गिरा। तभी ध्रुव के अभ्यस्त शरीर ने एक कुशल छलांग भरी और वह सुरक्षित आग के घेरे से बाहर आ गया। अब ध्रुव के सामने था इस खेल का अंत। फायर स्टॉर्म यमदूत बना ध्रुव के सामने खड़ा था, और अगले ही पल फायर स्टॉर्म ने आग का तूफान ध्रुव पर छोड़ा। मौत की उस आग ने सुपर कमांडो ध्रुव को अपने में समेट लिया। ध्रुव उस आग के तूफान से बुरी तरह जूझ रहा था, ध्रुव की इच्छा शक्ति जवाब दे रही थी। ध्रुव ने अपनी रिवॉल्वर निकालने की सोची, जो उसे अपराधियों के खिलाफ कभी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, कि तभी नागराज ने फायर स्टॉर्म पर जोरदार प्रहार किया और फायर स्टॉर्म के लड़खड़ाते ही वह उसके कंधों पर सवार हो गया। फिर नागराज के एक ही सदे हुए वार ने फायर स्टॉर्म के गर्दन की हड्डी तोड़ दी। तब नागराज ध्रुव के पास जा पहुंचा। दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? तब ध्रुव ने कहा, हाँ नागराज,
मगर एकदम अभी नहीं उठ सकता। तुम एक क्षण भी और देर से आते तो आज यह मेरा आखिरी जंग होता। किंतु नागराज, मुझे इस गैलरी में भगाकर तुम कहाँ गायब हो गए थे? तब नागराज ने बताया, बिल्कुल फायर स्टॉर्म के ऊपर छत से चिपका हुआ, किंतु उसकी नज़र मुझ पर नहीं थी। अभी नागराज ने अपनी बात समाप्त की ही थी कि उन पर किसी ने जोरदार वार किया। सामने खड़ा था लौह मानव अकीडो। अकीडो आगे बढ़ा और उन दोनों पर जोरदार प्रहार किए। अकीडो के अचानक प्रहार से ध्रुव और नागराज संभल नहीं पाए और अकीडो उन पर हावी होने लगा। फिर अकीडो ने नागराज को दीवार के सहारे ठोंक दिया। अपना काम निपटा कर वह ध्रुव की तरफ पलटा। ध्रुव ने अपना संपूर्ण शारीरिक व आत्मिक बल लगा दिया और अकीडो की पकड़ से बाहर निकला। अकीडो गुस्से में तन्माता हुआ फिर ध्रुव की तरफ बढ़ा। तभी अकीडो ने तेजी से मुक्का घुमाया, लेकिन ध्रुव फुर्ती से नीचे झुक गया और अकीडो का मुक्का मीटर तोड़ता हुआ बिजली के तेज करंट से टकराया। और अगले ही पल अकीडो को भयंकर बिजली के झटके लगे और कुछ ही क्षणों में वह भरभरा कर गिर पड़ा। अब वह मर चुका था। ध्रुव पलटा नागराज की ओर और नागराज के हाथों में धंसी उन लोहों की सलाखों को ध्रुव ने बाहर निकाला। अभी दोनों संभले ही थे कि उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और तब दोनों कुशल कलाबाज जमीन पर सीधे खड़े थे। और संभलते ही दोनों के सामने था एक महान आश्चर्य। वेलकम फ्रेंड्स, किलर फोर्ट में आपका स्वागत है। आज सारी सुपर शक्तियाँ मेरी कैद में हैं और तुम अब स्क्रीन पर देखना किस तरह मेरी तेजाबी बारिश विश्व के बड़े बड़े देशों को गुलाम बनाती है। नाकीडो, अब यह तुम्हारे कैदी हैं, इन्हें इनके देश की तबाही का नज़ारा दिखाकर समाप्त कर देना। तब मिस किलर ने कंट्रोल पैनल का लीवर घुमाया। यह तेजाबी बादल हिंदुस्तान के ऊपर जाकर तबाही मचाएंगे। तभी नागराज मिस किलर को बातों में उलझाए रखने के लिए बोल पड़ा, मिस किलर, यह तो बताओ कि तुमने हमें स्टेडियम पहुंचने से क्यों रोका और हमें भी बाकी सुपर शक्तियों के साथ कैद क्यों नहीं किया? तब मिस किलर ने बताया, नागराज, अगर तुम दोनों स्टेडियम समय में पहुंच जाते तो वहां कोई ना कोई हंगामा जरूर करते और अब मेरा सपना साकार होने वाला है। आज भारत, कल अमेरिका, परसों ब्रिटेन और रसिया मेरे गुलाम होंगे, किंतु तुम यह देखने के लिए मौजूद नहीं होगे क्योंकि लेजर मानव नाकीडो तुम दोनों को और यह गैस चैम्बर जिसमें इन सभी सुपर मानवों की सुपर शक्तियाँ अमृत हैं इनको आज ख़त्म कर देगा। तभी ध्रुव चिल्लाया, नागराज कुछ करो वरना ये सब जहरीली गैस से मारे जाएंगे। उधर ग्लास कैबिन में जहरीली गैस फैलने लगी। तभी नागराज और ध्रुव ने नाकीडो पर जोरदार वार किया, किंतु नाकीडो ने संभलते ही ध्रुव पर लेजर किरणों का प्रहार किया और उस विलक्षण शक्ति वाले प्रहार स्वरूप ध्रुव असहाय सा एक तरफ जा पड़ा। अब बारी थी नागराज की। नाकीडो ने नागराज की ओर लेजर बीम छोड़ी, लेकिन ऐन मौके पर छलांग लगाकर नागराज ने अपना बचाव किया, लेकिन लेजर बीम जा टकराई कंट्रोल पैनल की स्क्रीन से। नागराज उसके हर वार से बचता रहा और लेजर किरणें मिस किलर के आदमियों और कंट्रोल पैनल से टकराती रहीं और लेजर मानव नाकीडो की अनियंत्रित लेजर किरणें टकराने से मिस किलर की तेजाबी बारिश का कंट्रोल पैनल टूटकर तबाह हो गया। तब नागराज ने सांप की तेजी से नाकीडो पर घातक प्रहार किए और हेलमेट के टूटते ही नागराज की भयंकर जहरीली फुंकार ने नाकीडो की सांसों पर कब्जा कर लिया और अगले ही पल नाकीडो कटे वृक्ष की तरह नीचे आ पड़ा। मिस किलर, देख तेरा आखिरी सिपाही भी गया, और कोई सुरमा हो तो भेज उसे। यह सुन क्रोध से जल उठी मिस किलर की आंखें। उसी पल ध्रुव अपनी पूरी शक्ति बटोर कर खड़ा हो चुका था, किंतु इससे पहले कि वह उछलता मिस किलर ने उस पर वार कर दिया। पहले से ही पस्त ध्रुव मिस किलर के इस प्राण घातक वार से बुरी तरह लड़खड़ा गया। फिर भी वह ध्रुव क्या जो दिल में ठान चुके कार्य को पूरा ना कर पाए। और नागराज वह संपूर्ण शक्ति से गैस चैम्बर से टकराया। अपनी इस असफलता से बुरी तरह उफन उठी मिस किलर और नागराज पर प्रलयकारी किरणों का वार किया। तब नागराज ने कहा, मिस किलर, नागराज का जीवन मानवता को समर्पित है, किंतु तुम जैसे अपराधी मुझे आसानी से नहीं पचा सकते। अपना वार असफल होते देख मिस किलर ने रूप बदला। अब मेरे शरीर में दौड़ रहे करंट से बच नहीं सकोगे तुम। असंख्य गुप्त शक्तियों की स्वामिनी मिस किलर नागराज से टकराई और नागराज पर हावी होने लगी, किंतु इससे पहले कि कुछ अनिष्ट होता सारी महाशक्तियों ने कैद से आज़ाद होते ही मिस किलर पर हमला कर दिया। ओह, इन्हें तो आज़ाद होते ही सभी शक्तियाँ वापस मिल गई होंगी।
अब मैं इन सब का संयुक्त मुकाबला नहीं कर सकूंगी। और फिर वे सुपर शक्तियाँ मिस किलर को और नहीं रोक पाईं, और तब मिस किलर वहाँ से निकल भागी। अब किलर फोर्ट पर सुपर मानवों का कब्जा था। नागराज, हमें तुरंत ही निकल जाना चाहिए। हमने यहाँ पर टाइम बम सेट कर दिए हैं जो कि 5 मिनट बाद किलर फोर्ट को तबाह कर देंगे, और तभी परमाणु की मदद से वे सभी सुपर शक्तियाँ किलर फोर्ट छोड़कर हवा में उड़ चलीं। और देखते ही देखते किलर फोर्ट जोरदार धमाकों के साथ नेस्तनाबूत हो गया। और फिर एक दिन यह सभी शक्तियाँ फिर मिली राजनगर स्टेडियम में अपने चाहने वाले सभी दोस्तों से, किंतु इस बार कोई दुर्घटना नहीं घटी, और वह था एक टॉप शो।